हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 5G RF की टेस्टिंग। मीडिया टेक के अंदर या फिर क्वालकॉम के अंदर किसी भी सेट के अंदर अगर आप चेक करते हो 5G RF, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 5G RF कौन सा है? और एक्चुअल में 5G नेटवर्क ना आने पर आपको काम किस RF पे करनी चाहिए, और RF के अंदर कौन कौन सी लाइन आपको चेक करना जो है इम्पॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी सप्लाई और सिग्नल्स जो हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हो सकता है कि वो 4G RF हो या 5G RF हो या किसी भी प्रकार की रेडियो फ्रिक्वेंसी IC हो, RF IC हो, उसे आप किस तरीके से फाइनली चेक करोगे कि वो बोर्ड पे एक्चुअल में अगर आप उसे न्यू RF लगाते हो बोर्ड पे, तो वो बोर्ड की ट्रैक जो है परफेक्ट है उसके लिए। यानी कि बोर्ड के ऊपर ट्रेसिंग आपको करना है, और उस ट्रेसिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि उस RF के प्लेस में प्रॉब्लम है या फिर मेन ट्रांसीवर जो फ्रीक्वेंसी IC है वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आज का टॉपिक केवल हम यही रखने वाले हैं कि किसी भी RF IC को किस तरह से चेक किया जाए, उसकी ट्रैक लाइन को किस तरह से चेक किया जाए, और कौन कौन सी ट्रैक लाइन इंपॉर्टेंट है जिससे वो RF एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस RF को एक्टिवेट कराने के लिए हमें देखना है कि कौन कौन सी ट्रैक लाइन चेक करनी होती है जो कि 5G RF होता है। तो 5G का वीडियो कोर्स के अंदर, जो हमारा वेबसाइट वीडियो कोर्स है उसके अंदर 5G का वीडियो ऐड हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे टाइप करना है www.mobilelab.com। पूरा टाइप करना है, और यहाँ पे कुछ चेंज आया है तो उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करना है या ऑल कोर्स पर आप क्लिक कर लो, या इस बैनर पे आप क्लिक करोगे तब भी आप उस पेज के ऊपर लैंड करोगे जो कि ऑल कोर्सेज का पेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मोबाइल रिपेयरिंग। अब इसमें देखो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और बार बार मैसेज और कॉल कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो मैं बता देता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग, तीन तरह का है यहाँ पे कोर्स। आपको फर्स्ट दिख रहा है एडवांस लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स फॉर 1 ईयर। अगर आपको केवल मोबाइल रिपेयरिंग करना है तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो, बेस्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट 1 ईयर वाला। सेकंड, आपको कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो आप 3 मंथ के लिए भी ले सकते हो जिसका प्राइस बहुत कम हो चुका है। ठीक है, थर्ड, आपको लैपटॉप रिपेयरिंग जो है 7000 यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवांस लैपटॉप रिपेयरिंग इसके अंदर मिलेगा, 1 ईयर तक सपोर्ट होगा। सभी कोर्स में आप सपोर्ट मिलता है, जितने ड्यूरेशन का आप कोर्स लोगे उतने ड्यूरेशन तक आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम यही है कि जितने ड्यूरेशन का आप कोर्स लोगे उतने ड्यूरेशन तक आपको सपोर्ट मिलेगा। कॉल सपोर्ट टाइम बताया जाएगा, उस टाइम पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। देखो, एडवांस लेवल मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों है इसके अंदर ना, और ये दोनों कोर्स में मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों है। फर्स्ट ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे ओनली लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स है, और जस्ट उसके ऊपर दो कोर्सेस हैं मोबाइल रिपेयरिंग के ही केवल हैं। ठीक है, एक 3 मंथ्स का है और एक जो है 1 ईयर का है। तो 1 ईयर सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, आप मोबाइल रिपेयरिंग अगर करते हो तो। अगर आप दोनों करते हो तो आपके लिए ये 400 डेज या फिर 1 ईयर का ले सकते हो आप, ये दोनों बेस्ट होगा आपके लिए। कंटेंट सब में सेम होता है। अगर मोबाइल रिपेयरिंग आप जो चीज़ें ऊपर वाले कोर्स में मिलेगा मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्लीट सारी चीज़ें आपको ये नीचे वाले कोर्स में भी मोबाइल रिपेयरिंग मिलेगा, और दोनों के अंदर लैपटॉप रिपेयरिंग का भी सेम है, मोबाइल रिपेयरिंग का भी सेम है। यानी कि केवल मोबाइल चाहिए तो आपको यहाँ आना है, और केवल लैपटॉप चाहिए तो आपको यहाँ आना है, और दोनों चाहिए तो आपको यहाँ आना है। ठीक है, इनकी प्राइस यहाँ पे नीचे मेंशन है, 1 ईयर 45, 3 मंथ जो है 3500, 8000, 9000 दिख रहा है आपको। तो जिन्हें भी बाई करना है कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा इसके ऊपर। मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर एक छोटा सा और अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर किए होंगे, यहाँ से रजिस्टर ना करके अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी पड़ेगी, और आपको अपनी पासवर्ड यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी।
तो इस तरह से आपको ये दिखेगा, यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करना आपको। मैं बता दूंगा प्रोसेस क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रोसेस भी नहीं पता है। तो ये देखिए यहाँ पे सब पे लॉक बन के आ रहा है, ये जब आपका एक्टिवेट होगा आपका आईडी तभी लॉक ओपन हो जाएगा और आई सिंबल बन के आएगा, यानी उसके बाद आप देख सकते हो। दिख रहा है इसके अंदर पूरा मोबाइल रिपेयरिंग, यहाँ पे 5G नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो चुका है, नेटवर्क सेक्शन आप देख सकते हो उसके अंदर। और यहाँ पे देखो एक नया टॉपिक आया, ट्रेसिंग एंड फॉल्ट फाइंडिंग। इसमें अभी 1 घंटे का एक वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन का जो जो भी सेक्शन है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर, कोशिश किया जा रहा है कि उसके अंदर उसका प्रैक्टिकल वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो है 1 घंटे का ट्रेसिंग का बताया गया है। तो सभी सेक्शन को कैसे ट्रेस करते हैं मल्टीमीटर की मदद से या DSO की मदद से, वो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा इसके अंदर, कि इस सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ यहाँ इन इन पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है। इसमें वीडियोज़ वो जनरेट होंगे और उन सारी चीज़ों को यहाँ ऊपर थ्योरी क्लासेज में एक्सप्लेन किया गया सभी सेक्शन के अंदर। यहाँ पर जो है चार्जिंग सेक्शन, बूट सिक्वेंस, डेड रिपेयरिंग, हाफ शॉटिंग, फुल शॉटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी जा चुकी है ऑलरेडी इस वीडियो कोर्स में। यानी कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग है यहाँ पे, आपको इजी जेटेक और UEFI का भी मिलेगा। जस्ट अभी UFS का अपडेट इसके अंदर आने वाला है, तो UFS की भी बैड हेल्थ और रिप्रोग्रामिंग भी इसमें बताया जाएगा किस तरह से आपको करना है, वो तो ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप डेमो वीडियो देख सकते हो, ये छोटा सा एक डेमो वीडियो है। यहाँ पर बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। इनरोलमेंट वैलिडिटी यहाँ पर दिख रहा है 365 डेज़, और सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको मिलेगा कम्प्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है, ये 4500 में है आपका 1 ईयर का। प्रोसीड टू चेकआउट के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है और नंबर भरना है, और उसके बाद आपको यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देना है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर कर दोगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपको एक मैसेज मिलेगा यहाँ पे। जैसे प्लेस ऑर्डर करोगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको मेल भी आ जाएगा आपके मेल आईडी के ऊपर, जो मेल आईडी आपने रजिस्टर की हुई है। देखिए थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव। फिर आपको ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा। आपको व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा, जिस नंबर को आपने वहाँ पर फिल किया है ना, उसी नंबर पर व्हाट्सअप पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उस नंबर पर आपको पेमेंट डिटेल सेंड किया जाएगा। वहाँ आप पेमेंट करोगे तो आपका आईडी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है एक्टिवेशन का, आईडी कैसे आपको एक्टिवेट कराना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। ये आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पे है, आपको एक मेल आ जाएगा कैसे बाय करना है वेबसाइट को। जब ये हो जाएगा आपका तो आप सीधे यहाँ से बैक जाओ, यहाँ पे ऑल कोर्सेज के ऊपर फिर से जाओ और जिस भी कोर्स के अंदर आपने रजिस्टर किया उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी ये लॉगिन है पहले से, तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी नहीं मांगेगा। यहाँ पे बाय नाउ जहाँ लिख रहा है वहाँ पे स्टार्ट लर्निंग लिखेगा और जस्ट नीचे यहाँ पे लॉक ओपन हो चुके होंगे। तो चाहे तो आप डायरेक्टली किसी वीडियो को ऐसे क्लिक करो, जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्टली किसी वीडियो को आप इस तरह से क्लिक करो और आपका वो वीडियो जो है प्ले होने लगेगा। अभी फिलहाल लॉक है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब वो लॉक ओपन हो जाएगा तो आप जैसे ही क्लिक करोगे वो वीडियो क्या हो जाएगा, प्ले होने लगेगा। इस तरह से अभी केवल दिखेगा ही बस, सामने लॉक है इसलिए वो आगे आपको नहीं ले जा रहा है, ठीक है। तो जब ये लॉक अनलॉक होगा तभी वो क्लिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस 5G ऐप को, देखिए यहाँ पे हमने Redmi 10X 5G का फ़ोन ओपन कर रखा है, स्कीमेटिक डायग्राम और इसका लेआउट। लेआउट में आपको पता ही है क्या होता है, पार्ट नंबर होता है, कौन सा कंपोनेंट बोर्ड के अंदर कहाँ पे फिक्स है, ये चीज़ उसके अंदर मेंशन होता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चले कि 5G RF कौन सा है, तो आपको ये तीन बड़ी चीज़ें जो दिख रही हैं मैंने कोर्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है इसको। आपको एक ट्रांसीवर दिखेगा और दो RF दिखेंगे, एक हायर बैंड RF, एक लोअर बैंड RF और एक 5G RF दिखेगी, जिसके साथ अक्सर आपको इस तरह से एक या दो DRX एंड PRX लगे हुए दिखेंगे। ज़्यादातर किसी में दो दिखेंगे, किसी में चार भी दिख सकते हैं DRX एंड PRX। तो होगा कि एक DRX IC होगी और एक DRX का मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट स्विच होगा, फिर एक PRX IC होगी, उस PRX का मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट स्विच होगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इस IC को कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पर डायग्राम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl V। तो देख सकते हैं ये IC सामने आ रही है। अब मुझे पता है, हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो 5G का फ्रीक्वेंसी बैंड है वो N77, 78 एंड N79 है, ठीक है। ये हमारा मेन RF है जो कि 5G के लिए है। 5G में आपके अगर फ़ोन के अंदर N77 बैंड होगा, N78 होगा, N79 होगा, तो आपका ये इन तीनों में से कोई भी आपका, जैसे अलग अलग ऑपरेटर जो होते हैं वो अलग अलग रेंज के ऊपर अपनी फ्रीक्वेंसी जो है रिसीव एंड ट्रांसमिट कराते हैं,
और टावर्स के माध्यम से। तो यहाँ पे ये रेंज मिला हुआ है इंडिया में मोबाइल कंपनी को, यानी कि टेलीविज़न जो टेलीकॉम कंपनी है उनको ये मिला हुआ है N77, 78 एंड 79, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक वीडियो यूट्यूब पर है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है, कौन सी बैंड जो है कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो इस आरएफ को मान लो कैसे चेक करें, ये आरएफ आईसी है, इसको कंप्लीट अगर वर्क में लाना है, ये डिसेबल है, ऑफ है मान लो ये, तो इसमें ऐसी कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिसे हमें चेक करना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये तो एक एडवांस आईसी है तो चीज़ें इसमें एडवांस ज़रूर होंगी। तो सबसे पहले हम किसी भी आईसी को रिपेयर करते हैं यानी उसकी चेकिंग करते हैं, चाहे वो आरएफ हो या ट्रांसीवर हो या पावर आईसी हो या सीपीयू हो, कोई भी हो, या स्टोरेज आईसी हो, तो सबसे पहले आपको उसकी पावर लाइन चेक करनी होती है, वोल्टेज लाइन। उसके बाद आपको उसकी सिग्नल लाइन चेक करनी होती है, क्लॉक लाइन, डेटा लाइन, और उसके बाद आरएक्स टीएक्स लाइन चेक करनी होती है। तो पहले पावर, फिर क्लॉक डेटा, फिर आरएक्स टीएक्स लाइन चेक करेंगे। अगर कोई इनेबल की पिन है तो इनेबल भी चेक करते हैं, लेकिन फिलहाल आरएफ आईसीज के अंदर कोई इनेबल की पिन नहीं होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले वीएम 18 PMU, ये 18 मीन्स 1.8 वोल्टेज, यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन उल्टा दे रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन सभी जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे उल्टा रखा हुआ है मोबाइल रिपेयरिंग में, तो ये 1.8 वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा, दिख रहा है आपको, वी आई ओ पिन पर। वी आई ओ टू है ये, तो वी आई ओ वन भी होगा, तो देखो यहाँ पे वी आई ओ वन भी है, वी वोल्टेज फॉर इनपुट आउटपुट, ठीक है। वी आई ओ इन जो है यहाँ पे वी, वही वोल्टेज वहाँ पे भी कनेक्टेड है, दो जगहों पे वी आई ओ वन में भी, वी आई ओ टू में भी। तो ये क्या है, क्या वन और टू कुछ अलग है क्या? हाँ, दोनों वोल्टेज आपको यहाँ पे चेक करना है, ये इनपुट और आउटपुट को प्रोड्यूस कराने के लिए दो बार वी आई ओ की एंट्री हो रही है इसमें। अगर आप 4G आरएफ को देखो तो उसके अंदर वी आई ओ की एंट्री वन टाइम होती थी, यहाँ पे टू टाइम्स हो रही है वी आई ओ एंट्री। एंड क्लॉक और डेटा भी देखो आप, सीरियल डेटा और वन है और सीरियल क्लॉक 1A, और फिर यहाँ पे डेटा टू और क्लॉक टू दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये आईसी, एक आईसी सिंगल दिख रही है ये, लेकिन एक अगर इसको देखा जाए ना तो डबल 4G की तरह ये काम कर रही है। इसके अंदर जो है दो चीज़ें हो गई, दो बार डेटा, दो बार क्लॉक, दो बार वोल्टेज, ठीक है। और इसके अंदर ग्राउंड देखो, यहाँ पे ग्राउंड दिख ही रहा है, एक पूरा ये सेट है 1 से 11 तक, और यहाँ पे भी पूरा ये सेट दिख रहा है। वी बैट लाइन जो है हमारा क्या है, मेन वी पी एच पावर होता है, या वी बैट यानी बैटरी की वोल्टेज सीधा कनेक्टेड होती है 4.5 वोल्ट या 4 वोल्ट, 4.2 वोल्ट के समथिंग। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे और देख लो आप, वी डी डी लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको वी डी डी। वी डी डी क्या है, तो वी डी डी पे यहाँ पे वी आर एफ, ठीक है, वोल्टेज ऑफ आर एफ फ्रिक्वेंसी 13 PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट। 13 मीन्स क्या है, 1.3 वोल्टेज यहाँ पे आता है, ये डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यानी कि ये 1.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, आर एफ एफ क्लॉक और डेटा, इसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आईसी को हटाना इसके प्लेस से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन चीज़ों को चेक करोगे पैड के ऊपर, आईसी के पैड के ऊपर जहाँ पे आईसी लगती है, क्या चेक करोगे, वी पैड पे रीडिंग आनी चाहिए, बैटरी से कनेक्टिविटी कितनी रीडिंग आएगी, 450 के आसपास डायोड वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको सीरियल डेटा सिर्फ, फिर यहाँ पे वी बैट के बाद वी आई ओ पे चेक करो, वी आई ओ वन पे रीडिंग आनी चाहिए 450 की या 350 की, वी आई ओ टू पे आना चाहिए 350 की, वी डी डी पे आना चाहिए 350 की, आर एफ एफ क्लॉक पे आना चाहिए 400 to 600, दोनों पे डेटा क्लॉक दोनों पे 400 to 600 के बीच में कोई भी रीडिंग हो सकती है अलग अलग मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर जब चेंज करोगे तो रीडिंग चेंज होती है, दूसरे मल्टीमीटर से चेक करोगे तो उसमें दूसरा रीडिंग दिखेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत टॉलरेंस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वोल्टेज लाइन और आर एफ एफ क्लॉक और डेटा लाइन की रीडिंग लेनी है। उसके बाद इसमें एक और वोल्टेज आती है, जैसा कि आप लोगों को पता है आर एफ आई सी के अंदर एक ए पी टी वोल्टेज होती है, देखिए आप लिखा हुआ है ए पी टी वी सी सी टू, दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है, वी सी सी टू एंड वी सी सी वन होगा, कहाँ गया, वी सी सी थ्री है और वी सी सी वन है, ठीक है, तो आपस में ये कनेक्टेड है, वी सी सी वन वी सी सी टू आपस में कनेक्टेड है और वी सी सी थ्री भी जाके उसी लाइन में कनेक्टेड हो गया। तो वी सी सी वन वी सी सी टू एंड वी सी सी थ्री एक वोल्टेज है जो कि वी पी ए ज़ीरो है, वोल्टेज वी पी ए ए पी टी वोल्टेज है। ये वोल्टेज डिपेंड करता है टावर के स्ट्रेंथ के ऊपर, अगर आपके फ़ोन के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है यानी टावर का यूज़ हो रहा है आपके फ़ोन में, तो ये वोल्टेज का लेवल जो है अप होता है, ये 3.7 वोल्ट तक जाता है मैक्सिमम, मिनिमम 0.3 वोल्ट तक रहता है। तो जब आप कॉल लगाते हो तो ये वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, धीरे धीरे बढ़ती है,
ये 3.7 वोल्ट तक जाके हाई शिफ्ट हो जाएगी, और जब आप कॉल कट कर दोगे तो ये वोल्टेज धीरे 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 अपने लो वैल्यू पर आ जाएगी, यानी कि 1.2, 1.0.9, 0.6 इस तरह होते हुए धीरे धीरे वो कम हो जाएगी वोल्टेज। ऐसा होता है APT वोल्टेज, ठीक है। ये इसमें वेरिएशन होता है, ये वोल्टेज डिपेंड करता है नेटवर्क स्ट्रेंथ के ऊपर। एक तरह से कह सकते हैं RF जब एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को तो ये वोल्टेज की नीड होती है उसे, यानी ये वोल्टेज उसको चाहिए ही चाहिए, तो उस टाइम ये वोल्टेज अप होता है। और जब फिर RF अपने मैक्सिमम लेवल पर ना होके नॉर्मली ये नॉर्मल होता है तो फिर इसकी वोल्टेज भी नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसा होता है ये। तो इसके अंदर हमें क्या क्या हमने देखा कि वोल्टेज लाइन की जितनी भी लाइन है, VDD लाइन और VIO लाइन और RFFE क्लॉक इन डेटा जो होता है, जिसको SDSCL बोला गया यहाँ पे, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक, उन लाइनों की रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग के बाद VCC वोल्टेज को भी चेक करो। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे इस कैपेसिटर पे चेक करोगे फुल शॉर्ट आएगा। इस पिन के ऊपर भी रीडिंग चेक करो कि अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी लाइनों में से कोई लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, VCC लाइन भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट अपने ये चीज़ें देख ली, उसके बाद हम RF को लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई न्यू RF है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या चेक करना चाहिए इसके अंदर, तो देखिए इधर दिख रहा है आपको मल्टी इनपुट मीमो जो लिखा हुआ है ना, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट है ये। DRX एंड PRX की मीमो लाइन चेक करो आप, फिर DRX की एक लाइन है वो भी आप चेक करो, फिर TRX की एक लाइन है वो भी आप चेक करो। ये क्वाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये हर एक कंडीशन में चेक होगा? नहीं। जितना मैंने पहले बताया, वोल्टेज लाइन, RFFE क्लॉक डेटा एंड VCC लाइन चेक करने के बाद आप RF चेंज कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आपके बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, RF आप चेंज करोगे नेटवर्क आ जाएगी। और अगर उसके बावजूद भी नहीं आती है तो सेकंड ट्रेसिंग यही होगा कि ये DRX एंड TRX PRX लाइन आप चेक करोगे। और RF इन लाइन के बारे में हमने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट को बता रखा है कि RF इन क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं तो इन लाइन्स के ऊपर रीडिंग नहीं आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर सर्किट को ओपन करके रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे रीडिंग चेक करोगे तो OL आएगा, यानी कि ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अगर ये कैपेसिटर निकल भी जाए तो आपको पता थोड़ी चल पाएगा यहाँ चेक करने से कि ये कैपेसिटर निकला है नहीं। तो इस चीज़ों को आपको फिजिकली देखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर केवल फ्रेक्वेंसीज होती है तो वोल्टेज नहीं होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे बर्न करने का चांस या शॉर्ट सर्किट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेक्वेंसीज जिस लाइन में ट्रेवल करती है उस लाइन में आपका जो है सर्किट बर्न करना या शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस नहीं होता है। फिजिकल डैमेज होता है, वाटर डैमेज होता है, तो आपको फिजिकल डैमेज, वाटर डैमेज और कंपोनेंट के होने ना होने का केवल ट्रेसिंग करना होता है, और जहाँ से वो आ रही है वो लाइन वहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं ये चेक करना होता है। तो RF इन और RF आप देख सकते हो, यहाँ पे दो RF इन की लाइन है, ये दो कंपोनेंट आपको चेक करना है, यहाँ पे दो कैपेसिटर चेक करना है, और ये RF इन वन और RF इन थ्री, ये दो लाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक करते हो इस ट्रांसीवर को एक्टिवेट कराना है तो ये वोल्टेज लाइन RFFE लाइन चेक करने के बाद RF इन वन RF इन टू लाइन चेक करो, और ये रिसीवर लाइन चेक कर लो, काम खत्म है। आपने ये अगर चेक करना सीख लिया कि ये लाइन को कैसे कनेक्टिविटी चेक होती है, केवल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे करके, अगर वो लाइनें कनेक्टेड हैं जहाँ से उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया फ़ोन में, वहाँ से अगर यहाँ तक बजर आ रहा है मतलब आपका क्या है सही है। अगर बीच में कंपोनेंट लगा हुआ है सीरीज में इस तरह से तो बजर नहीं आएगा। सीरीज कंपोनेंट आपको पता ही है कि सर्किट को ये कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो सर्किट को वो ओपन करके रखता है, तो रीडिंग एक साइड से दूसरे साइड नहीं आ सकती, तो एक साइड रीडिंग होगी दूसरे साइड नहीं होगी। जब आप ये IC प्लेस करोगे तो उसके इस साइड भी रीडिंग आ जाएगी, इस साइड भी रीडिंग आ जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड बजर साउंड करे और ये लाइन पूरी ग्राउंड से कनेक्टेड हो, तो आपको सर्किट सर्च करने से पता चलता है। हम अभी इसको सर्च नहीं करेंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि ये एक छोटे से स्विच से हो सकती है या फिल्टर से हो सकती है, फिर वो फिल्टर के अंदर 3-4 पिनें हो सकती हैं। तो आपको केवल ये देखना है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन है ऑलरेडी, आपको ये देखना है कि इसके अंदर ये इतनी चीज़ें अगर रेडी हैं तो आप RF को लगा सकते हो। और फिर दोबारा अगर आपने एक न्यू RF यहाँ पे प्लेस किया तो फिर दोबारा आपको उस RF को नहीं उठाना है, और कोशिश यही रहे कि जब भी आप मार्केट से IC परचेज करते हो तो मार्केट में आप IC जो लेते हो नेटवर्क वाली, आपको बोल के लेना है कि मुझे OG ओरिजिनल IC चाहिए, OG IC चाहिए। अगर आप कॉपी IC लोगे और आप लगा भी दोगे तो आपको हो सकता है कि किसी अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस करना पड़े जो आपने आज तक कभी नहीं देखा हो, ठीक है। तो ओरिजिनल IC आप 5G के अंदर यूज करोगे, जो भी IC यूज करोगे। तो इस तरीके से आप एक RF सेक्शन को, चाहे वो 2G RF हो या 3G RF हो या 4G RF हो या 5G RF हो,
DRX हो, कोई भी IC हो, उसको चेक कर सकते हो। इतनी लाइनों को नेटवर्क सेक्शन के अंदर इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि नेटवर्क सेक्शन के अंदर 5 से 6 ICs जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाता है कि किस IC पर काम करें। तो केवल 5G ना आने के टाइम में आप इस IC को ज़रूर देख सकते हो और यहाँ पे काम कर सकते हो। जो जी चीज़ें हमने बताई उन सभी चीज़ों को चेक करो, रीडिंग अवेलेबल है तो आप RFIC को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इससे भी पहले आपको ट्रांसीवर भी चेंज करना होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से RFIC को आपको चेक करना चाहिए, कौन कौन सी लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है और किसका क्या काम है, वो हम आगे अपने कोर्स के अंदर उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये कैसे चेक होंगी, कहाँ पे कनेक्टेड है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।